Hello everyone, welcome to Reema Dua classes. Our today's topic for revision is all about clearing of the checks in Indian banking system. So how it goes, firstly we have to understand ki clearing hota kahan pe hai. So clearing hota hai basically clearing house mein, aur clearing house wo aisa place hai jahan par kya hota hai, where banks that are member of the clearing house meet to clear the checks. जहाँ पे वो बैंक्स अपने चेक्स प्रेजेंट करते हैं फॉर क्लियरिंग ऑफ द पेमेंट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लियरिंग. सो लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्लियरिंग, राइट? सो क्लियरिंग इज एन अरेंजमेंट थ्रू विच अ बैंक एक्सचेंज चेक ड्रॉन ऑन अदर बैंक्स. मतलब क्लियरिंग एक अरेंजमेंट है, एक तरीका है, एक वे है जिसके थ्रू जो भी चेक्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रहे हैं या डिफरेंट बैंक्स के एक्सचेंज हो रहे हैं, उनकी पेमेंट को क्लियर करने का एक वे है, एक मेथड है. और उसको कौन सपोर्ट करता है? क्लियरिंग हाउस सपोर्ट करते हैं. सो क्लियरिंग इज अरेंजमेंट थ्रू विच बैंक एक्सचेंज चेक ड्रॉन ऑन अदर बैंक्स आर रिसीव्ड बाय इट फॉर कलेक्शन. जो वो कलेक्शन के लिए रिसीव करते हैं with the checks which are drawn on it, चाहे उस बैंक के नाम पे ड्रॉ हुए हों, चाहे उसने किसी और बैंक के रिसीव किए हों फॉर क्लियरिंग, तो वो अरेंजमेंट जो किया जाता है दैट इज नोन एज क्लियरिंग. मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर ए पार्टी है और बी पार्टी है, दोनों के बीच में कोई गुड्स की डीलिंग हुई है, देन ए बी सी बैंक का चेक काट के दिया ए पार्टी ने बी को, राइट? और बी का जो बैंक है वो एक्स वाई जेड बैंक है. नाउ ही नीड टू अंडरस्टैंड कि जब ए बी सी बैंक का चेक एक्स वाई जेड बैंक में जाएगा तो वो किस लिए जा रहा है? वो बेसिकली पेमेंट की क्लियरिंग के लिए जा रहा है. और एक्स वाई जेड को जो पेमेंट मिलनी है वो एक्चुअली कहाँ से मिलनी है? ए बी सी बैंक से मिलनी है. तो एक्स वाई जेड बैंक किसका हेल्प लेगा? क्लियरिंग हाउस का हेल्प लेगा फॉर क्लियरिंग ऑफ द पेमेंट. सो मीन्स जब भी चेक का ट्रांजेक्शन, लाइक चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन और चेक का एक्सचेंज होगा दो बैंक्स के बीच में, या फिर एक ही बैंक का चेक हो, तो देन दैट इज कॉल्ड क्लियरिंग. वो अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्लियरिंग. अब इसमें भी आपके दो पार्ट्स हैं. नंबर वन इज इनवर्ड क्लियरिंग एंड नंबर टू इज आउटवर्ड क्लियरिंग. आई विल एक्सप्लेन यू. फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पेमेंट सिस्टम. पेमेंट सिस्टम क्या होता है जिसके थ्रू पेमेंट की जाती है? लाइक आई टोल्ड यू, ए और बी के बीच में बिजनेस डीलिंग हुई थी और दोनों ने किसके थ्रू ट्रांजेक्शन करी है? चेक के थ्रू. ए ने बी को एक चेक दिया है विच इज फ्रॉम द ए बी सी बैंक. तो यहाँ पे उन्होंने कौन सा मेथड लिया पेमेंट का? दे हैव टेकन द पेपर बेस्ड मैकेनिज्म विच इज थ्रू चेक. तो पेपर बेस्ड मतलब जिसमें पेपर इन्वॉल्व रहेगा, विच इज कैश, मे बी चेक और ड्राफ्ट एक्सेट्रा. सो इसके थ्रू जब हमारी पेमेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं उस सिस्टम को हम बोलते हैं पेपर बेस्ड मैकेनिज्म. और जिसमें पेपर लेस, जिसमें पेपर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, दैट इज EFT. जिसमें हम पेपर पे लिख कर या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं जिसके थ्रू पेमेंट होना है, दैट इज पेपर लेस मैकेनिज्म. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इनवर्ड क्लियरिंग एंड देन व्हाट इज आउटवर्ड क्लियरिंग. सो इनवर्ड क्लियरिंग क्या होता है? इनवर्ड क्लियरिंग बेसिकली तभी होता है जब हम एक पेपर बेस्ड मैकेनिज्म फॉलो करते हैं. सो पेपर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें अगर हम सपोज करो चेक का यूज कर रहे हैं, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने कौन सी पार्टीज ली हैं. हमने टू पार्टीज ली हैं यहाँ पे, ए एंड बी, राइट? ए ने चेक ट्रांसफर किया बी को. ए का बैंक कौन सा है? दैट इज ए बी सी बैंक, राइट? और ए बी सी बैंक का चेक उसने ट्रांसफर कर दिया है किस बंदे को? जिसका अकाउंट था एक्स वाई जेड बैंक में, राइट? तो ये जब चेक यहाँ पे गया है क्लियरिंग के लिए, जब बी पार्टी ने अपने बैंक में इस चेक को प्रेजेंट किया है, तब इसको क्या बोलेंगे? इनवर्ड क्लियरिंग. दैट विल बी नोन एज इनवर्ड क्लियरिंग. मतलब अगर मैंने किसी पर्सन के साथ, मिस्टर ए के साथ बिजनेस डीलिंग करी, मैंने अपने अकाउंट से, HDFC के अकाउंट से उसको चेक दिया, उस पर्सन का, मिस्टर ए का जो अकाउंट है वो SBI में है, तो अब वो पर्सन जब SBI में अपना अकाउंट लगा, अपना चेक लगाएगा जो मैंने उसको प्रेजेंट किया है, तब उस क्लियरिंग को क्या बोला जाएगा? इनवर्ड क्लियरिंग. दैट मीन्स यहाँ पे उस पर्सन ने क्या किया है? अपने बैंक अकाउंट में जाके उस चेक को प्रेजेंट किया है, विच इज इनवर्ड क्लियरिंग. अब
एक्स वाई जेड बैंक क्या करेगा, इसको भेजेगा कहां पे, क्लियरिंग हाउस में. जब एक्स वाई जेड बैंक किसका यूज कर रहा है, क्लियरिंग हाउस का, तब क्या होगा, मींस वो उसको बाहर भेज रहा है फॉर द पेमेंट विच हैज टू बी ब्रॉट फ्रॉम एबीसी बैंक, क्योंकि एक्चुअली चेक किसके अकाउंट से कटा है, एबीसी बैंक के चेकबुक से, राइट. सो जब वो एबीसी से पेमेंट क्लियर करवाना चाहेगा विद द हेल्प ऑफ क्लियरिंग हाउस, उसको बोलेंगे हम आउटवर्ड क्लियरिंग. नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग अगेन. ओके, लेट मी जस्ट टेक द एग्जाम्पल. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू अगेन, जस्ट वन सेकेंड, इसको फिर से समझते हैं. मिस्टर ए, मिस्टर बी, दो पार्टीज हैं. इसका बैंक अकाउंट है ए बी सी, ठीक है. इसका बैंक अकाउंट है एक्स वाई जेड, राइट. तो अब इसने इसको एक चेक प्रेजेंट कर दिया. ओके, सो एबीसी बैंक का चेक गया है एक्स वाई जेड बैंक में. इसको क्या, अब बी के पास गया एक्चुअली, और बी ने उसको एक्स वाई जेड में प्रेजेंट कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, इनवर्ड. जब बी अपने बैंक में उस चेक को डाल रहा है जो किसने दिया, ए ने, और किस बैंक का दिया, एबीसी बैंक का. अब एक्स वाई जेड बैंक बोलेगा कि ये मेरे बैंक का तो चेक है नहीं, ये तो एबीसी बैंक से आया, तो क्लियरिंग जो पेमेंट की है वो यहां से होनी है. तो अब ये किसका सपोर्ट ले रहा है, ये क्लियरिंग हाउस का सपोर्ट लेगा और क्लियरिंग हाउस में अपने चेक को लगा देगा. अब जब क्लियरिंग हाउस में उसने आउटवर्ड भेज दिया है, दिस इज आउटवर्ड क्लियरिंग, मींस उसने बाहर भेज दिया है वो चेक क्लियरिंग के लिए, तो इसे बोलते हैं आउटवर्ड क्लियरिंग. बी जब अपने बैंक अकाउंट में चेक को लगा रहा है जो एबीसी से आया है, वो है इनवर्ड क्लियरिंग. और जब वही एक्स वाई जेड बैंक जिसके पास चेक आया है, वो जब बाहर क्लियरिंग हाउस में पेमेंट के लिए उसको भेज रहा है, क्लियरिंग के लिए भेज रहा है, दैट इज कॉल्ड आउटवर्ड क्लियरिंग. ओके, सो रिवाइज दिस टॉपिक. आफ्टर दिस वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ मेनी क्लियरिंग हाउसेज आर देयर इन इंडिया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. प्लीज डू मैसेज मी ऑन माई ईमेल आईडी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. GoPro.